नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ है। आपको बता दूं कि कल दरोगा का एग्जाम हुआ और दो पालियों में ये एग्जाम हुए। और स्टूडेंट की बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, वो काफी चेंज हो गया। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा में आज हमारे साथ प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर और संजय सर दोनों मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ दो स्टूडेंट भी हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एग्ज़ाम ये लोग दिए हैं। और हम बात करते हैं इस मुद्दे पर सर से कि क्या किस तरह के एग्ज़ाम इस बार थे। सबसे पहले तो न्यूज पीआर चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार का एग्ज़ाम निश्चित रूप से पहले जितनी भी बार एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, इससे भिन्न रहा है। अब समय आ गया है, जो पैटर्न अभी देख रहे हैं आप, टीचर को भी समझना होगा इस बात को और बच्चों को भी समझना होगा कि सिर्फ अब लुसेंट पढ़ के या पढ़ा करके या इस टाइप के जो भी बुक हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलना है। जब तक कंसेप्ट आप बच्चों का अच्छे से क्लियर नहीं कराते हैं, और बच्चे का जब तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा, तब तक जिस तरह का प्रश्न पूछा है, बहुत ज़्यादा प्रश्न बन नहीं पाएगा बच्चों को और निश्चित रूप से रिजल्ट को प्रभावित करेगा। तो अभी का जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, कम्प्लीट समझिए कि NCERT बेस्ड सारा क्वेश्चन उसमें दिया गया है। जिस बच्चे का पूरा क्लियर है, वो बच्चे क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट किए होंगे या बनाए होंगे। अटेम्प्ट तो मैक्सिमम किए होंगे क्योंकि 1/5 निगेटिव है, वैसे भी बनाना ही चाहिए, लेकिन स्कोर वही बच्चे किए होंगे जिनका कंसेप्ट अधिक से अधिक क्लियर है। और जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयारी करके गए होंगे और जैसे कि रट करके जाते हैं, तो रट्टा मार पढ़ाई इस बार काम किया नहीं, और रिजल्ट भी उन बच्चों का संदेह के घेरे में हमेशा बना हुआ रहेगा। दूसरा क्या है कि अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ, सेकेंड सिटिंग का एग्जाम हुआ, दोनों सिटिंग के प्रश्नों की प्रवृत्ति में भी अंतर रही, लेवल में दोनों का अंतर रहा। फर्स्ट सिटिंग बनिस्पत थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहा और सेकेंड सिटिंग बनिस्पत थोड़ा सा आसान रहा। क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो लगभग हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन का करीब करंट अफेयर्स पूछा गया, जो एवरेज हम बच्चों से बात किए या क्वेश्चन जो देखे उसके आधार पर बता रहे हैं। हाँ, साइंस उम्मीद था 20-25 पूछेगा, लेकिन हमको लगता है कि 14-15 करीब साइंस पूछा गया। और 8 सेक्शन में हिस्ट्री से कम क्वेश्चन रहा बनिस्पत, इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा और परेशान करने वाला क्वेश्चन पूछा। और स्टैटिक में भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, निश्चित रूप से वहाँ पर भी बच्चों को अधिक से अधिक परेशानी हुई है। तो निसंदेह जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो कट ऑफ पिछली बार जिस तरह का लगातार कट ऑफ आया है, उससे बनिस्पत कम कट ऑफ रहेगा। और हमारा अपना मानना है, जिस तरह का पैटर्न हम देखें कि जिन बच्चों का भी 60+ आता है, 58 से 62 के बीच आप लेके चल सकते हैं, जनरल कैंडिडेट के बात अगर हम करें, 60 के अप्रॉक्स, 60 से 62 मार्क्स करीब जिन बच्चों का जनरल कैंडिडेट का आएगा, तो रिजल्ट संभव है इसमें। और इसके बाद BC2 वालों को हम मानते हैं कि 57 से लेकर 60 का एक दायरा बनाया जा सकता है, BC1 वाले का 55+ का दायरा बनाया जा सकता है, और महिला कैंडिडेट के लिए 45, 46, 47 जिनका सही होता है, तो निसंदेह रिजल्ट आना चाहिए। बाकी तो आपके सामने बच्चे भी बैठे हुए हैं जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, हमको लगता है कि हमसे बेहतर ये बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या रही, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। बेहतर होगा कि पहले बच्चों से पूछ लिया जाए। आपका फर्स्ट सेशन में था? नहीं, मेरा सेकंड सिटिंग में। धन्यवाद न्यूज पीआर। देखिए, हम जब सेकंड सिटिंग में गए थे एग्जाम देने, तो मुझे जैसा कि लग रहा था पहले से भी कि कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए था, ठीक है, तो कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए था, तो हमने कंसेप्ट से पढ़ा भी था क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए आज लूसेंट ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं या SPD के क्वेश्चन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन अब आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग है, उसमें लूसेंट या SPD पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। आपको पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स में तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, जो बच्चे अच्छे से पढ़ के होंगे गए होंगे वही इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनाए होंगे। अब मैं बात करता हूँ करेंट कैसा पूछा था, तो हम करेंट ये कह सकते हैं जो बच्चे मंथली पढ़ते हैं अच्छे से मैगजीन उठा करके, उनका बहुत फ़ायदा किया। कुछ आ जाता है वार्षिकांक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ वार्षिकांक पढ़ने से आप पूरे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो आपको मंथली मैगजीन भी पढ़ना होगा। जैसे हम लोग फॉलो करते हैं मंथली मैगजीन, तो बनाया था लगभग 20 क्वेश्चन के
आसपास मुझे दिखा करंट का, ठीक। उसमें से अगर जो पढ़ के गए होंगे 15 इजीली बना लिए होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको परेशानी हुई होगी। साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन था, उसी में हम करंट में कह सकते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सब या स्टैटिक सब मिला ले तो 50 के आसपास था क्वेश्चन। मैथ का बात करें तो 3 क्वेश्चन था, जिसमें से 2 तो इजीली बनने वाला था और 1 क्वेश्चन फ्रैक्शन का था, बच्चे बना लिए होंगे जो पढ़ते होंगे। और रीजनिंग में भी था कि 3 क्वेश्चन मुझे लगा था, जिसमें से कि 1 क्वेश्चन थोड़ा सा लगा था, नंबर सीरीज का ठीक ठाक क्वेश्चन था, बाकी 2 इजीली क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के 6 क्वेश्चन था। अब बाकी हम बात करते हैं कि साइंस का, तो साइंस मुझे 15 से 20 क्वेश्चन दिखा, लेकिन बात यह है कि साइंस लोग पढ़ते नहीं है अच्छे से और सिर्फ चाहते हैं कि हम क्या करें, स्पीडी पढ़ ले साइंस और काम चला ले। अब ऐसा नहीं होने वाला है, आपको अच्छे से बायोलॉजी भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा और फिजिक्स भी पढ़ना होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे गए थे साइंस का, और मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन तक तो बना लिए होंगे 20 में से, और 10 वही बच्चे बनाए होंगे जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे। तो अब आजकल का जो ट्रेंडिंग रह रहा है दरोगा, पिछला दरोगा का क्वेश्चन, और इस बार में मुझे बस यही लगा, जैसे नवीन सर ने बताया है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मेहनत करना होगा और सब कुछ अब अच्छे से पढ़ के जाना होगा। अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका रिजल्ट होगा। धन्यवाद। क्या लग रहा है आपका फर्स्ट एग्जाम था, तो क्वेश्चन का पैटर्न फर्स्ट शिफ्ट मैम कंप्लीट चौंकाने वाला था। हम लोगों ने सोच के गया था यहाँ से कि ये पिछले बार के अपेक्षा जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है बिहार एसआई का, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जस्ट उसके विपरीत हुआ है ना। क्वेश्चंस का पैटर्न जैसे ही क्वेश्चंस देखा हमने तो लगा कि ये क्या आ गया, मतलब कंप्लीट डिफरेंट था। कि आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस ना के बराबर था, पॉलिटी ना के बराबर था, ज्योग्राफी ना के बराबर था, मेन ये होता है ना। तो हम लोग तैयारी करके गए थे, पढ़े तो थे सब कुछ है ना, ल्यूशन भी पढ़ा था और अन्य बुक भी पढ़ के गया था, तो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस तो अच्छा अटेम्प्ट कर लिए हैं है ना, सही भी है, स्कोर भी सही आ रहा है। लेकिन इस बार देखें क्या कि अब जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिसेंट बेस्ड पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एसपीटी बेस्ड पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने के लिए अब आपको स्कोर लाने के लिए, रिजल्ट फाइनल देने के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, और सेट प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेट का अभ्यास करना। और करेंट और साइंस, ये करेंट और साइंस मार्केट में बहुत सारे बुकें हैं है ना, जो इस बार बच्चे पढ़ के अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं है ना। हमने ऐसा नहीं किया था, मैं रेगुलर प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट्स हूँ और प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर, संजय सर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग रेगुलर प्लेटफॉर्म में सेट भी मारते हैं। और प्लेटफॉर्म की रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक जो है, करेंट की बुक है, और उसका जो प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी इस बार फायदेमंद रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट से देख लीजिए, रुक्मिणी करंट से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिस सेट से भी क्वेश्चंस मैच किए हैं। हम लोग जो प्लेटफॉर्म में सेट मारते हैं, इतना बेहतरीन सेट का स्टैंडर्ड रहता है कि इस बार एग्जाम देने से पता चला कि क्या होता है सेट का इम्पोर्टेंस है ना। तो ओवरऑल देखिए तो काफ़ी अच्छा महसूस किया हूँ एग्जामिनेशन में, और स्कोर भी अच्छा आ रहा है। अब देखते हैं कट ऑफ का क्या व्यू रहता है। जैसा कि सर ने बताया कि एनसीईआरटी और क्या कहते हैं पढ़ना चाहिए बच्चे को, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, आगे हमारा बीपीएससी का एग्जाम्स है, उसके लिए अब प्रयास करेंगे कि सेट प्रैक्टिस रेगुलर करें और पढ़ाई का अपना स्टैंडर्ड और तरीका थोड़ा बदले, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड अब डीपली पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से सर, मेरा एक सवाल और है कि हर लोग तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देख कर जाते हैं, तो इस पर और बोलने दीजिए, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं इस बार चेंज हो गया। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं स्टूडेंट करे भी तो क्या करे और टीचर भी करे भी तो क्या करे। हम मान लीजिए कि रेलवे का ही तैयारी कराते हैं, दूसरी चीज़ का ही तैयारी कराते हैं, तो बेस हमारा क्या रहता है तैयारी कराने का? बेस यही रहता है कि अब तक का जो एग्ज़ाम हुआ है किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, तो जनरली उसी तरह का हम आगे का भी पैटर्न समझते हुए तैयारी कराते हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से अगर बोर्ड ही अचानक बड़ा तब्दीली कर दे तो इसमें ना तो हम टीचर का बहुत ज़्यादा दोष समझते हैं, ना उन स्टूडेंट का भी हम दोष समझते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें बोर्ड को भी इस बीच में आपको लाना होगा कि अचानक जो इस तरह का बदलाव करता है जिसकी उम्मीद स्टूडेंट को नहीं रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला कारण होता है। इसलिए अब इससे यही सीख मिलता है कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम डीप में घुस करके तैयारी नहीं करेंगे। अगर अपना ग्रिप हमको अगर अच्छा करना है, पकड़ अच्छा बढ़ाना है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को शुरू से लेकर चलना होगा। वहाँ पर बच्चे या टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो इन बातों से सीख भी लेनी चाहिए,
और हमेशा सीखने में कोई बुराई भी नहीं है, यही सोच करके बच्चे को भी आगे बढ़ना चाहिए और हम टीचर को भी इससे सबक लेते हुए थोड़ा गहराई में जा करके, चूँकि इसके चौंकाने वाला बात ये भी था कि पिछले बार जो आप देखे होंगे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी सेम बातें हुई थी। उससे पहले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था नॉर्मल क्वेश्चन डाला जा रहा था, अचानक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि वैसा बीपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं रहता है, तो चौंकाने वाला बात वहाँ पर भी था। तो इसलिए करके अगर जो उनसे सबक ना लिए तो समझिए कि यहाँ आकर के उनको धोखा ज़रूर फील हुआ। सर मैं संजय सर से जानना चाहूँगी कि इस तरह से बोर्ड अचानक से अपने क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को मतलब चेंज कर दे रहा है, तो क्या लग रहा है कि कंपटीटर जो हैं उन ये ज़्यादा बढ़ने की वजह से या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा और जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको शुभकामना। मेरा ये कहना है कि आजकल का जो ट्रेंड चला है, बच्चा यूट्यूब पर जो देख के क्लास करते हैं उससे पास होने की जब बात नहीं है, उनको बेसिक फाउंडेशन जो हम अभी जो अनुभव किए हैं, जो जिस बच्चा का लेवल एकदम बेसिक से ठीक है उसका सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है। तो सबके सब अभी जितना बात बोलना था हमारे स्टूडेंट और नवीन सर बोल ही दिए हैं, तो विशेष कुछ नहीं बोलना है। इस एग्ज़ाम से जिनका एग्ज़ाम गड़बड़ाया गया तो सबको सबक लेना है कि हम में जो जहाँ पर कमी हो गई रह गई है उसका समीक्षा करना है। सरकार का या एग्ज़ाम लेने के तरीका पे हमको कमेंट नहीं करना है, वो प्रोसेस सब दिन चलते रहेगा। हम में जो कमी है, हम कहाँ पे मिस किए, उसका समीक्षा करना है और फिर अपनी कमी को दूर करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं, हम तो सारी बातें हो ही गई है, नया हमको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आगे फिर मेंस भी बच्चों का होना है, तो पीटी में अगर जिन बच्चों का रिजल्ट होता है तो जो डिजर्व करते हैं उनका तो रिजल्ट होगा ही, तो थोड़ा सा गहराई से अभी से स्टडी करें जिनका इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, साथ साथ फिजिकल भी होना है, तो उधर भी बच्चे टाइम देते ही हैं, तो उसी बीच में इसी लेवल को मानक मान करके आगे का तैयारी कंटिन्यू रखें, दरोगा के लिए विशेष तब दिक्कत महसूस नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, सर भी यहाँ पर थे और इनके स्टूडेंट भी यहाँ पर थे जो एग्ज़ाम देख कर आए हैं, तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, जैसा नवीन सर और संजय सर बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम यही कहेंगे कि इन लोग पे अगर ढंग से भरोसा किया जाए और जैसा सर सेट करवाते थे दरोगा का, मुझे उम्मीद है कि सबको फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लेवल सर डाल देते हैं दरोगा वाला क्वेश्चन में, और ये फ़ायदा हुआ है, जो रेगुलर सेट मारा है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। सर लेवल डालते थे तो लगता था कि ऐसा नहीं आएगा एग्ज़ाम में या वैसा, तो हम बराबर टेस्ट देते थे तो मुझे फ़ायदा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि सर आप ऐसा ही तैयारी करवाएं और अच्छे विषय मतलब सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको लगता है तो सर देने का कोशिश करें, और सब कुछ आप पढ़ के जाना है मेंस में, ये नहीं कि आप ऐसे पढ़ लेंगे या थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका मेंस निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो आपने सुना कि सर और स्टूडेंट दोनों यहाँ पर थे मौजूद, दोनों ने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि बोर्ड तो है वो हमेशा तब्दीलियाँ तो लाती रहेगी, लेकिन मजबूत वही है जो अपने इरादे को मजबूत रखा है, अपनी तैयारी जो है वो अपने जो बेसिक अपने जो बेसिक को जो मजबूत रखे हैं वही पार कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।